देखो गुरु, सिनेमा में एक मूवी आई है एनिमल, जो कदर मचा रही है, बवाल मचा रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। सारे बड़े बड़े एक्टर घबरा रहे हैं कि मेरा रिकॉर्ड ना टूट जाए, मेरा रिकॉर्ड। और ये मूवी सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी। मैं आज इस 2023 में आई 5 फिल्में जो लगभग 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से ज़्यादा, और इनका और इस मूवी का कंपैरिजन आपको मैं बताऊंगा। एक कंपैरिजन करा के एक सॉलिड माल निकाल के मैं आपको दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं कि एनिमल इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कैसे बनेगी। हाँ, ये बात और है कि अभी सलार और डंकी जैसी फिल्म सिनेमा में आना बाकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डंकी इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, और सलार तो भैया मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। ठीक है, इस साल 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं जिन्होंने लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में और 1000 करोड़ से ज़्यादा विदेशों में बिजनेस किया है। इसमें पहली फिल्म है जवान, जिसने वर्ल्ड वाइड 1150 करोड़ कमाया था और इंडिया में 643 करोड़। यह सिनेमा में लगभग 42 दिन तक चली थी। दूसरी फिल्म है पठान। पठान किसी ने नहीं देखी होगी, पूरी कंट्रोवर्सी भरी फिल्म थी जिसमें दीपिका पादुकोण के भगवा रंग के बिकनी पहनने पर बवाल हो गया था, और इस बवाल के कारण इस फिल्म ने बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। इसने इंडिया में लगभग 543 करोड़ कमाया था और पूरे वर्ल्ड वाइड में 1050 करोड़, जो इस सिनेमा में लगभग थिएटर में 48 दिन तक चली थी। उसके बाद तीसरी फिल्म है गदर 2, हमारे सन्नी पाजी की। इसने सिनेमा में गदर मचा दिया था, एकदम सुनामी आ गई थी। गदर गदर, जिससे पूछो गदर की बातें करता था, जैसे इस टाइम एनिमल की बात हो रही है। तो इसने कमाया था 525 करोड़ रुपये टोटल इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 612 करोड़ रुपये। और हम आखिरी फिल्म की बात करते हैं, जिसका नाम है टाइगर 3, हमारे सल्लू भाई, सलमान भाई। इस फिल्म ने कमाए हैं टोटल, जी डाटा थोड़ा याद नहीं है, देख लेता हूँ। हाँ, इस फिल्म ने कमाए हैं इंडिया में 285 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कमाए हैं 462 करोड़ रुपए, और ये इस समय सिनेमा में कहीं छोटे मोटे शहरों में रन कर रही है। हाँ, ये बात और है कि कुछ लोग हैं जो मंदबुद्धि हैं, जो सिनेमा लवर नहीं हैं, घर में बैठ के इंटरनेट से डाउनलोड करके मूवी देख लिए हैं, वो मूवी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि इस मूवी में जो महिला का अपमान किया गया है, बच्चों को बढ़ावा दिया गया है, ये मूवी टॉक्सिक है। इस बारे में अपनी एक नई वीडियो आज शाम को शायद अपलोड कर दूँ या कल, उस बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के बारे में, इसकी कमाई जो ताबड़तोड़ एकदम पूरा समझ लो कि मिचौंग तूफान ला दी है एकदम। एनिमल, जानवर की बात, मतलब रणबीर कपूर की, ये सिनेमा में तहलका मचा रही है। इसने अब तक इंडिया में 312 करोड़ रुपए कमाए हैं और वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से ज़्यादा इसका कलेक्शन हो चुका है। अभी इस मूवी को रिलीज़ हुए सिर्फ आज 6 से 7वां दिन, आज 6वां दिन है, 7वां दिन है, और ये तहलका मचा रही है। और इस मूवी के 7वें दिन का कलेक्शन जो है वो है 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी तक ऐसा कोई फिल्म नहीं कर पाई है और ये लगातार कमा रही है, और ये तब तक कमाएगी जब तक सिनेमा में डंकी या सलार मूवी रिलीज नहीं हो जाती। ओवरऑल बात करें तो गुरु, ये फिल्म सिनेमा में सुनामी ला दी है, भयानक पैसा कमा रही है, भयानक एकदम, पूछो मत। और हाँ, लाइक प्लीज़ करो, सब्सक्राइब करो ना करो, प्लीज़ लाइक कर दो यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, प्लीज़। ठीक है, ओके, थैंक यू।